कांग्रेस जीत रही है उत्तराखंड में ये बात है पहले मैं नर्क का राजा था आजकल मैं स्वर्ग का दरबारी हूँ पहले टिकट बांटते थे अब टिकट की लाइन में है कैसे पार लगाएंगे कांग्रेस के आप इस विधानसभा सीट पर आरोप तो साठ पार का नारा दे रहे हैं है? आप नहीं, नहीं कर पा रहे सात पार करेंगे आठ पार अरे सात पार नहीं करेंगे वो नारायण पाल जी चुनाव लड़ेंगे ना ये कन्फर्म है ना पौने दस साल मैंने संघर्ष किया मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई लेकिन ये 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 बात किसी से ना कहना ये भी है। <laughs> नमस्कार आप देख रहे हैं दो कदम मैं हूं आपके साथ तिलक चावला और साथ है मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ आज बात होगी उत्तराखंड की सियासत के एक दिलचस्प किदार की वो सियासत के ऐसे खिलाड़ी रहे जो सितारगंज का सितारा रहे लेकिन आज वो सितारा गुमनाम हो गया अब सवाल ये कि आखिरकार क्यों और आज धरातल पर एक बार फिर से उस चेहरे को रण में सितारगंज की आवाम देखना चाहती है लेकिन वो चेहरा सितारगंज में चमकेंगे या फिर नहीं और साथ ही साथ वो चेहरा जो कभी बीएसपी का बड़ा चेहरा रहे जो कभी टिकट बांटा करते थे आज खुद टिकट का इंतजार कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की सियासत के जाने माने चेहरे नारायण पाल नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद 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 नारायण पाल जी शुरुआत आप ही से करते हैं तो कांग्रेस जीत रही है क्या है उत्तराखंड में बिल्कुल क्या है कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस जीतेगी कितना आकलन है आपका देखो आपने खुद ही बताया मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और आपको पता है कि मेरा अपना अनुभव भी है ये तो समय काल परिस्थिति की बात है जो मैं आज टिकट मांग रहा हूँ आपने खुद ही कहा पहले तो मैं टिकट ही बैठता था ये बात है पहले मैं नर्क का राजा था आजकल मैं स्वर्ग का दरबारी हूँ नर्क के राजा थे आप पहले और अब स्वर्ग का दरबारी हूँ लेकिन स्वर्ग का दरबारी हूँ आप जानते हैं पहले टिकट बांटते थे अब टिकट की लाइन में है तो ये समय समय की बात है और अनुभव है जानकारियाँ हैं और सोच समझ के ही फैसला किया होगा और शायद आपसे बड़ा कोई गवाह भी नहीं है जिस दिन मैंने बसपा छोड़ी थी जी तो अब टिकट मांगी था। कांग्रेस ही हो गया पहले से ही था मैं पहले मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहा था पूरा प्रदेश का राष्ट्रीय सचिव रहा उसका यूथ कांग्रेस का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा तो कांग्रेस जन्मजात कांग्रेस ही हो अच्छा आप कैसे पार लगाएंगे कांग्रेस की आप इस विधानसभा सीट पर देखो हमने पौने दस साल हमने संघर्ष किया और संघर्ष इस बात से भी हमें पता लग सकता है कि हम पे आधा दर्जन केस लगे और आप सभी लोग ये जान सकते हैं कि मेरी व्यक्तिगत स्थिति सामाजिक स्थिति मेरी आर्थिक स्थिति क्या है भाजपा के लोगों ने मुझे रंगदारी का केस लगवा दिया एक बार तीन लाख की रंगदारी का मैं उससे बहुत ही आहत हूँ पीड़ित हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र में वोटों की सबसे बड़ी ताकत है और आपकी वोटों की ताकत से बीजेपी को हराना है कांग्रेस का कांग्रेस का आप सरकार बनने की बात कर रहे हैं आकलन क्या है आपका कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की उत्तराखंड देखो पूरा जो माहौल है जो पूरा माहौल है हमने देखा श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम जहाँ भी जाते हैं चाहे तराई में जाते हैं भावर में जाते हैं पहाड़ में जाते हैं सुदूर क्षेत्रों में भी जाते हैं तो जनता अपने आप ही निकल रही है रोड पे आ रही है क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मुद्दे हल ही नहीं हुए और इन्होंने झूठी बातें की अब आप देख रहे हैं कि कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की मैं ये तो नहीं आकलन नहीं कर सकता आठ तो पार का नारा दे रहे हैं हैंकलन ही नहीं कर पा रहे सात पार करेंगे आठ पार अरे सात पार नहीं करेंगे वो सात पार नहीं करेंगे अब देखना आप तो उदम्चिंग, उदम्चिंग नगर में देखना आप लोग कितने पार करेंगे हम हाँ, पार आर कुछ नहीं करेंगे लेकिन आर पार कर देंगे आर पार करेंगे हाँ। ये तय है तय है अच्छा दस साल आप खुद यहाँ से विधायक रहे दस साल संघर्ष किया आपने और आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ इस बार कंफर्म है ना कि नारायण पाल चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे देखो हमारे नेता श्री हरीश रावत है हमारे नेता श्री हरीश रावत हैं हमारे पार्टी में मैं बताऊं कि श्री गणेश गोदियाल जी हैं श्री प्रीतम सिंह हैं हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं तो प्रदीप टमटा भी हैं और गोविंद सिंह कुंजवाल जी भी हैं और जी भी है। सब हैं सब हैं हाँ नेता नहीं है हमारे नहीं, आप सिर्फ हमारे सहयोगी हैं हमारे सहयोगी हैं नेता हम ठोक के कह रहे हैं कि हरीश रावत है हमारे हरीश रावत मतलब कंफर्म है ना टिकट नारायण पाल जी चुनाव लड़ेंगे ना ये कंफर्म है ना क्यों नहीं लड़ूंगा पौने दस साल मैंने संघर्ष किया मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा दावेदार तो यहाँ भी खड़े हैं कतार में दावेदार तो हर जगह खड़े हैं हर जगह हर पार्टी में दावेदारी दावेदार है जब तक स्क्रीनिंग और स्क्रूटनी नहीं होती है जब तक तो और हम तो खुद कहते हैं लोगों से कि दावेदारी करो जिनकी महत्वाकांक्षा है जिनका एम्बिशन है राजनीति और जिन्हें लगता है कि मैं योग्य हूँ तो, दावे ले। की हुई तो? अरे वो, वो तो दावेदारी कर जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन मैं अच्छी तरीके से बात बता रहा हूँ इसका जो मूल्यांकन है आकलन है जनता अच्छा अपने आप कर देगी इसका आप खुद नर्क के राजा बन जाए फिर न तो ये ना तो आप बांट रहे आप ज्योतिष है ना मैं ज्योतिष हूँ ये तो भक्त के साथ बात होगी आपको याद होगा दिन मैंने बसपा छोड़ी थी तो आप खुद में थे सबसे पहली मुलाकात मेरी मैंने लिया था ये बात किसी से ना कहना ये भी है <laughs> अच्छा नारायण पाल जी को लेकर आपने विजन के साथ काम भी किया है ग्राउंड जीरो पर भी काम किया है और आज भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सितारगंज को लेकर आपके साथ बेवफाई तो हुई ना कि नहीं की कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बीजेपी में शामिल है हाँ वही लाए थे मुझे कांग्रेस अनुसूचित आयोग का मुझे चेयरमैन बनाने का वादा किया था हुँ. और मैं अकेला नहीं हूँ सर मैं अकेला नहीं हूँ किरण मंडल जी जिन्हें त्याग किया था श्री अनबार अहमद जो आयोग के चेयरमैन थे इस चेयरमैन थे श्री अमरजीत सिंह बड़े नेता थे ईश्वरी प्रसाद गंगवार और जितने भी नेता थे इस इलाके के सबको धोखा दिया था सबको धोखा दिया था सबको सबको धोखा दिया सबको धोखा दिया सबसे ज्यादा धोखा आपको मिला अब इसका धोखे का मूल्यांकन तो कोई है नहीं कि ज्यादा धोखा मुझे दिया नारायण पाल खड़े हो जाते तो क्या विजय बोगड़ा आसानी से चुनाव जीत जाते मैं मैंने गलती गलती कर दी बस गलती की आपने मैंने गलती की मुझे बीजेपी खुद मुझे टिकट श्री यशपाल आर्या उन्होंने मैं दोपहर में बैठा था और मेरे संग अमर उजाला के एक पत्रकार बैठे थे यासीन अंसारी तो यशपाल आर्या जी का फोन आया आदर करता हूं मैं उनका उन्होंने मुझसे कहा भैया चुनाव लड़ो ना बड़े भाई जैसे मैं बसपा में था फिर चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने मुझसे कहा बिशन सिंह चुबाल बीजेपी का देखते उन्होंने कहा प्रकाश पंजी ने कहा सब ने कहा मैंने वफादारी की थी बहुत जी के साथ आपके आपके साथ, साथ गद्दारी कर दी अब मुझे तो पता नहीं आपके साथ डील क्या हुई थी उनकी मेरे साथ डील नहीं थी पॉलिटिकल आदमी साधु संत नहीं हो मुझसे कहा था कि आप भाई आप अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन बन जाओगे नहीं बनाया उन्होंने उनों नहीं नहीं अच्छा, कहा था नहीं त्याग तो किया था त्याग में उनको मिलना क्या था अब मुझे क्या पता डील में तो मैं था नहीं और डील ही कहा बुजुर्ग आदमी है वो बुजुर्ग आदमी आप भी उनका हाल देखो अगर डील हुई होती और कुछ हुआ था ना उनके घर पे जाके देखो वो बहुत ही अमीर आदमी नहीं है वो अंबयार अहमद जी बहुत अमीर आदमी नहीं है बहुत सारे लोग हैं हमने सबको प्रेरित किया था कि यहाँ के विकास के लिए विकास के लिए विजय बोगड़ा जी चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ का विकास हो जाएगा है और उन्होंने भी कहा कि मैं स्वर्ग बना दूंगा तो क्या नहीं किया विजय स्वर्गवासी बन गए बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग स्वर्गवासी बन गए क्या नहीं किया विजय बोगुड़ा जी ने उनके बेटे तो कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी सितारगंज में सबसे बड़ा मुद्दा सुलझा दिया शक्ति फॉर्म का कौन सा था वो आप आ, आपको बेहतर मालूम होगा नहीं, आप ही बताओ ना कौन सा था तो मैं जवाब दूंगा वो वो कह रहे हैं हैं हमने बस है। बस बस स्टैंड 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 बनाए मैंने बनाया है अम्बेडकर स्कूल में बनना था वो अम्बेडकर स्कूल में बनना था अनुसूचित जाति के हमारे लोग थे बंशीधर आप जो यूट्यूब में देख लेना बंसीधर जी मिनिस्टर थे मैंने कहा अनुसूचित जाति का ये पूजनी केंद्र है बाबा रेदास का मंदिर है यहाँ नहीं बनेगा और वहां बनेगा नगरपालिका के पास और मैंने तो बहुत कुछ बोला शक्ति था शक्ति फॉर्म वाला मसला क्या था सिरसा सड़क का मामला था सिरसा माननीय तिवारी जी के समय में सेंक्शन हुआ मैं विधायक था जब मंडल जी भी तो किसी शर्त पर आए थे शर्त पर आए तो मतलब बस... शक्ति फॉर्म वाला हाँ तो सुलझा दिया ना उन्होंने जी ने सुलझा दिया ना एक बात सुनो आप आपका मान लो किसी का भी एक बच्चा है जो कि पांच साल का है वो कहता है कि मेरा एडमिशन करा दो पंद्रह साल बाद उसी क्लास में करा दो पांच साल के बच्चे का एडमिशन दस साल बाद कराओ पंद्रह साल का हो जाए के जी में करा दो के जी तो कुछ तो परिवर्तन आता होगा वहां भी धोखा दे दिया क्या धोखा नहीं दिया क्या धोखा दिया विजय बोगुणा जी के समय में क्यों नहीं हुआ फिर ये सड़क क्यों नहीं बनी और वो एडीबी का पैसा कहाँ गया और वो था जेल कैम का पुल था उसका क्या हुआ चीनी मिल 2017 में क्यों बंद हुई थी चीनी मिल इसलिए बंद हुई थी अपने लोग को चीनी मिल को बेचना था खरीदार नहीं मिला पीपी मोड पे है चुनाव से पहले अभी शुरू की चीनी मिल चले जाओ देख लो चीनी मिल का क्या हाल है आप ही कह रहे हो मुझे तो इस बारे में ज़्यादा वो नहीं है लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ तो किसी को भी नहीं हाँ। आप तो आप उनसे उनसे अच्छा, तो सितारगंज की आवाम ये कह रही है कि अगर कोई बोगुणा परिवार को टक्कर दे सकता है तो फिर वो नारायण पाली होंगे आपको हमारे चाहने वाले लोग लेकिन कांग्रेस में है ना आपके चाहने वाले चुनाव तो आप लड़ ही रहे हैं जितना है क्योंकि जिन एक गंगवार जी का जिक्र कर रहे हैं वो भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के दरवाजे पर ही हैं अरे टिकट तो सभी मांगते हैं दस लोगों ने मांगा हमसे तीन लोगों ने पूछ के मांगा हमने कहा मांगो हमारे लोग हैं मांगो उसमें क्या बुराई है आप, आप कांग्रेस में होते आप कांग्रेस में होते कार्यकर्ता होते पदाधिकारी होते आप कहते मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं कैसे मना कर सकता हूं भाई अपनी इच्छा भी पूरी कर लो अच्छा सितारगंज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर नारायण पाल चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं तो सबसे पहले मैं सुलझाऊंगा तीन बड़े मुद्दे ये जो है ना माननीय तिवारी जी ने शिटकुल बनाया था हम विधायक थे जी पन्नगर में तिवारी जी नाश्ता कर रहे थे मैं पन्नगर गया था आठ अगस्त की बात है ये मैंने तिवारी जी के पैर छू लिए पकड़ लिए पैर नाश्ता करते हुए छोड़े नहीं वो यूं हो गए छोड़ो छोड़ो मैंने छोड़ूंगा नहीं मैं गया था कादर खान की पिक्चर देख के एक कादर खान ने डीएम का पैर पकड़ लिया अंदर जाके मैंने छोड़ा ही नहीं तो क्या अच्छा क्या चाहते हो आप मैंने मैं चाहता आपने कहा बनेगा सिटकुल मैंने वहां बनेगा जो ओपन कारागार है वहां बनेगा तो उन्होंने कमिश्नर से बात की उन्होंने डीएम से बात की कि संभावनाए देखो बारह दिन के अंदर शिलान्यास कर दिया था तिवारी जी ने मैं विधायक था सिटकुल का हाँ और सत्तर प्रतिशत लोगों को रोजगार देने की बात की थी करीब छह हजार नौजवान काम करता है करता था सिटकुल में काम उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जब आप, जब आप आप किसी से पैसे लोगे ना फैक्ट्री वालों से फैक्ट्री वाले नहीं सुनेंगे ईश्वर की सौगंध खाके कहता हूं बद्रीनाथ मंदिर की सौगंध खाके कहता हूं अमृतसर गुरुद्वारे कसम खा के कहता हूं, हूं अजमेर शरीफ मजार की कसम कहा कहता बच्चों की कसम कहा कहता मैंने एक पैसा नहीं लिया उनसे फैक्ट्री वालों से ले सकता था मैं नहीं लिया मैं आज भी किसी को कहता हूँ फोन करता हूँ तो मेरी बात सुनी जाती है एक सीमा तक जिन पे जिम्मेदारी है ना बाट लगा दी उन्होंने बेरोजगार दर दर भटक रहा है यहाँ पे करेंगे क्या आप करेंगे क्या करूंगा तो देखो इंडस्ट्री के कल को तो मैं जानता ही हूँ क्योंकि हम इतफाक से से उधर से ही आए हैं सब ठीक करूँगा तो पहले तो सत्तर प्रतिशत लोगों को रोजगार कैसे दोगे आप यहाँ जो ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है और टेक्निकल एजुकेशन वाले लोग हैं है, मजदूरी कर रहे हैं वो वहां पे सिटकुल में रहना होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार देना होगा मुझे मालूम है कि इंडस्ट्री जो है पोषित करती है प्रोस्पेरिटी और समृद्धता फैक्ट्रिया बढ़ाती है लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दोगे तो कैसे सर्वाइव करेगा इस क्षेत्र और किस तरीके से यहाँ का रोज यहाँ कहाँ जाएंगे यहाँ काम करने वाले लोग गौरव भोग के लिए मेरे लिए मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है

आज रावजी का हो गया। अच्छा बीएसपी में तो नहीं जाएंगे ना आप अरे ये कोई ये कोई वो तो है नहीं कि मैं भविष्यवाणी करूं। हो सकता है नाराजगी रही तो बीएसपी का नाम थाम लेंगे आप क्या बीएसपी की तरफ से आए हैं मेरे पास नहीं हम केवल पूछ रहे हैं आपसे। उनका प्रचार करना है या, या, या मुझे मोटिवेट करना है तो बीएसपी का ही नाम क्यों ले रहे हो क्योंकि आप आए हैं ना वहीं वहीं से से आए क्या मतलब भाई भाई है कई पुराने सहयोगी आवाज तो देते होंगे कौन? आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी मायावती जी से बात होती है मेरी होती है अभी भी, भी? मायावती जी से बात होती है वो कहते नहीं आ जाओ आप पार्टी के जो प्रभारी है भाई है हमारे दुष्यंत गौतम जी से अच्छा संबंध है हमारा अभी पंद्रह दिन पहले अजय भट्ट जी मैं दिल्ली में था उनका फोन आया था मुझ पे कि नारायण भाई मिलना है तो मैंने भाई साहब बता देना मुझे कब मिलना है तो तो यानी टिकट नहीं मिला तो आप दरवाजे सारे खुले सबके लिए खुले खुले दरवाजे हैं या बंद है मैं कांग्रेस का आदमी हूँ मेरी चाहत है कि रावत जी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा है तो रावत जी के लिए मैं जान लगा दूंगा ये बात पक्की है रावत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे अरे वो चेहरा बनाएंगे या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे लेकिन उसके लिए आपको विजय बावना जी को हराना पड़ेगा मतलब बहुगुणा परिवार को आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? बहुगुणा ने नॉमिनेशन कर दिया क्या यहाँ? आपको लगता है कि वो बेटे को चुनाव नहीं को। उनके बेटे भी तो लड़े थे दो पार्लियामेंट जब तक वो मुख्यमंत्री थे तो नाक की लड़ाई नहीं थी तब उस वक्त नारायण पाल उनके साथ खड़े थे खड़े थे खड़े थे आज नहीं है नहीं तो वो गढ़वाल में चुनाव लड़ लेते थे यहाँ थोड़ी लड़ लेते नहीं मैं सितारगंज की बात कर रहा हूँ अगर नारायण पाल अगर साथ ना वो चुनाव जीत जाते क्या सुनो, आसानी से एक बात सुनो मेरे को मेरे सम्मान को कोई भी खिलवाड़ करेगा तो कोई कुछ नहीं है कोई कुछ नहीं है मैं मेहनत का साधमी हूं अपने मेहनत से आया हूं अपनी मेहनत से आया हूं और सौ परसेंट लड़ाकू आदमी हूँ सीधी सी बात है से आया आप याद है मैं तिवारी जी का तिवारी जी मेरे पिता तुल्य थे तिवारी जी से सब बड़ा लीडर ही पैदा नहीं हुआ यहाँ पे वो महान आदमी था जब कांग्रेस तिवारी बनी मुझसे कहा कि राष्ट्रीय महासचिव बनाऊंगा यूथ का उन्होंने पंद्रह दिन लेट कर दिया तो मैंने बस मुलायम सिंह ने मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया राज बब्बर जी और पीएल पुनिया जी, जी मुझे ले राज ब... उनके मुलायम सिंह जी के पास उन्होंने मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा वो महान आदमी थे आप संदेश दे रहे हैं कांग्रेस को क्या संदेश दे रहा की टिकट नहीं मिला तो मेरे लिए दरवाजे खुले मैं अनुभव बता रहा हूँ अनुभव और अपनी अपनी क्षमता बता रहा हूँ अनुभव बता रहा हूँ और लड़ने वाला आदमी ये बता रहा हूँ जिसको गलत फहमी है कि मैं लड़ नहीं सकता नहीं वो तो सब जानते हैं कि आप लड़ सकते हैं लड़ना क्यों नहीं चाह रहे अगर कोई दिक्कत आती है तो किंतु और परंतु वाली स्थिति क्यों रख रहे हैं किन्तु परंतु का काम नहीं है कांग्रेस का आदमी मेरे जैसे बड़ा मकसद है हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाना बड़ा मकसद है हमारे पास हमारे पास मकसद है मकसद है चलिए आपने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला और बेबाकी से हमेशा की तरह आपने अपनी बात को रखा बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी चुनाव को लेकर एक बार फिर से सितारगंज का सितारा आप बने ये जनता को तय करना है आपने वक्त दिया न्यूज वल इंडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका तो ये थे हमारे साथ नारायण पाल जो कि पूर्व विधायक हैं सितारगंज से और कांग्रेस का इस वक्त चेहरा है इनका कहना यह है कि इस बार भी रण में ताल ठोकूंगा लड़ाकू हूं लड़के चुनाव भी जीत के दिखाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो यह दिलचस्प सीट उत्तराखंड के सियासी इतिहास में इसलिए भी होगी क्योंकि यहाँ पर मुकाबला नारायण पाल का सीधे और सीधे विजय बोगड़ा साहब से ही होगा यानी कि उनके बेटे से फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ को दीदी इजाजत अगली बार होगी एक नई शख्सियत से मुलाकात नमस्कार जय हिंद जय जा भारत जय उत्तराखंड कांग्रेस जीत रही है है उत्तराखंड में ये बात है पहले मैं नर्क का राजा था आजकल मैं स्वर्ग का दरबारी हूँ पहले टिकट बांटते थे अब टिकट की लाइन में है पार। कैसे पार लगाएंगे कांग्रेस के आप इस विधानसभा सीट पर तो साठ पार का नारा दे रहे हैं है? नहीं कर पा रहे साठ पार, पार अरे सात पार नहीं करेंगे वो नारायण पाल जी चुनाव लड़ेंगे ना ये कन्फर्म है ना पौने तो दस साल मैंने संघर्ष किया मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई लेकिन ये ये बात किसी से ना कहना ये भी है